हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर वन लाइनर फटाफट सीरीज का 7वां पार्ट है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एल एलगेरो एंड एल पेंसरोसो शो जॉय एंड मिलेंकली नेचर रिस्पेक्टिवली। देखिए, एल एलगेरो जॉय शो करता है और एल पेंसरोसो मिलेंकली शो करता है। क्लियर है? द आइडिया ऑफ मॉस्क वॉज बारोड फ्रॉम इटली। जो आइडिया है मॉस्क का वो इटली से लिया गया है। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन इन ब्लैंक वर्स। पैराडाइज लॉस्ट बाई मिल्टन ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। पैराडाइज रिगेन्ड इज द स्टोरी ऑफ सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन बुक फर्स्ट सैटर्न इज कंपेयर टू लेवियाथन। यानी बुक फर्स्ट में सैटर्न का जो कंपेरिजन हुआ है वो लेवियाथन से हुआ है। 1632 to 1638 इज नन एज हॉटन पीरियड इन मिल्टन्स कैरियर। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी 1632 से 1638 तक हॉटन पीरियड माना जाता है। मलोच इज बीस्मियर्ड विथ ह्यूमन ब्लड। बिलियाल केम लास्ट ऑफ फॉलन एंजल्स। मिल्टन्स स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ विल इज द चीफ डॉक्ट्राइन इन पैराडाइज लास्ट। यानी पैराडाइज लास्ट का जो चीफ डॉक्ट्राइन है वो फ्रीडम ऑफ विल है। सैमुअल जॉनसन सेड मिल्टन्स रोट नो लैंग्वेज। मिल्टन वाज डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। विलियम ब्लैक की लाइन है। वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 एट काकरमाउथ कम्बरलैंड। ही डाइड 23 अप्रैल 1850। हिज मदर डाइड इन 1778। फटाफट सीरीज में चलते हैं आगे। ही हैड एन अफेयर विथ एनेट वेलन अ फ्रेंच गर्ल एंड आल्सो हैड ए डॉटर कैरोलाइन फ्रॉम हर। यानी एनेट वेलन से उनका अफेयर था और उनसे एक बच्ची पैदा हुई थी जिसका नाम कैरोलाइन था। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वॉज पब्लिश इन 1793। ही मैरिड मेरी हचिंसन इन 1802। आगे द पोएम लंदन 1802 इज एड्रेस्ड टू मिल्टन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। यानी जो लंदन 1802 पोयम है वह विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है और एड्रेस किया गया है मिल्टन को। क्लियर है? अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज वॉज रिटेन अबाउट लंदन व्हेन ही वॉज गोइंग टू फ्रांस विद डरोथी। यानी अपनी बहन डरोथी के साथ जब फ्रांस जा रहे थे तब यह लिखा गया था। वर्ड्सवर्थ बिकम पोएट लॉरेट इन 1843 में पोएट लॉरेट थे उस बने और 1850 तक चले। उसके पहले रॉबर्ट साउदे थे। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे इन सुब्रेक। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉयस ऑफ गॉड अकर इन ओड टू ड्यूटी में स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉयस ऑफ गॉड लाइन है उसमें। नेम ऑफ द सन ऑफ माइकल इज ल्यूक। ठीक है, यानी माइकल का जो बेटा है वह उसका नाम ल्यूक है। एन अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ। रूथ इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। रूथ का मतलब एक अलग टाइटल है जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। द सब टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड इज ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। प्रिल्यूड हैज़ 14 बुक्स। माइकल स्कॉटेज इज कॉल्ड इवनिंग स्टार बट वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉ इज लाइन द फाउंटेन। यानी फाउंटेन जो पोयम है वर्ड्सवर्थ का उससे लिया गया है। बट वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वो देयर इज ब्लेसिंग इन द जेंटल ब्रिज इज ओपनिंग लाइन ऑफ द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड का ओपनिंग लाइन है ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रिज। क्लियर है फ्रेंड्स? दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून इज लाइन फ्रॉम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। द स्टील सैंड म्यूजिक ऑफ यूनिटी इज लाइन फ्रॉम द पोएम ऑफ टिंटन एबी। आर्नोल्ड कॉल्ड वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री।
क्लियर फ्रेंड्स, ब्राउनिंग ने क्या बोला है, ब्राउनिंग कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ए लॉस्ट लीडर, सेली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ए मॉरल यूनुक, वर्ड्सवर्थ रूट हिज बेस्ट पोयम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलरिज, यानी कॉलरिज के इन्फ्लुएंस में उन्होंने बेहतर पोयम लिखा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है, डब्ल्यू जे लॉन्ग सेड दैट होमर इज नॉट प्रेजेंट इन वर्ड्सवर्थ वर्क। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क में बिल्कुल ना हामर ही नहीं है, ये लिखा था, बोला था डब्ल्यू जे लॉन्ग ने। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज व्हाई आर दाउ साइलेंट, व्हाई आर दाउ साइलेंट जो है लव सोनेट है किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। क्लियर फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को, और ऐसे ही वीडियो पाते रहिए वन लाइनर सीरीज का फटाफट। ओके, थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।